चित्रगुप्त, चलते चलते पैरों में पीड़ा हो रही है, कंठ सूख रहा है, एक विचित्र सा आभास हो रहा है। मुझे तो 36 विचित्र आभास हो रहे हैं प्रभु। इसी अवस्था को भूख कहते हैं। भूख? भूख लगे तो क्या करना चाहिए? कुछ खाना चाहिए, और मेरा तो छोटी मोटी वस्तु खाकर पेट भर जाएगा। आपके लिए हिमालय पर्वत चाहिए। हम है यम, यम है हम। क्रोध कम, नहीं तो भूख बढ़ जाएगी। प्रभु वो देखिए, वहां मानव हिम के गोले खा रहे हैं, चलिए हम भी चलकर खाते हैं। चित्रगुप्त, हम केवल अमृत का सेवन करते हैं और किसी चीज को नहीं छूते हैं। वहां अमृत भी मिलेगा प्रभु, आप आइए तो सही। चलिए आइए प्रभु, आइए प्रभु। विराजिए महाराज। नमस्ते जी। धूम ताता। क्या साहब, मैं तो आपको नमस्ते कह रहा हूँ, आप मुझे शराब दे रहे हैं? क्या चाहिए? वो तो वो नहीं देंगी। वो का मतलब वो नहीं बुद्धू, वो जो खा रही हैं, वैसे हमारे लिए भी लेकर आओ। 100। 100? अभी लाया। उत्तम, अति उत्तम। मान आनंद आ गया। चित्रगुप्त, ये तो अमृत है। प्रभु टूट पड़ा। चित्रगुप्त, ये हेम क्रीम तो सचमुच अमृत का भी बाप है। और साहब, ये बिल उसका भी बाप है। बिल? बिल का मतलब? बिल मतलब ये चिट्ठी। चिट्ठी का मतलब? कौन से देश से आए हो, चलो पैसा निकालो। पैसे का मतलब? पैसे का मतलब अभी बताता हूँ। मैनेजर साहब, ये दोनों 100 आइसक्रीम निकलने के बाद पूछते हैं पैसे का मतलब क्या है, नाटक कर रहे हैं। प्रभु प्रभु, जान पड़ता है कोई भयंकर विपदा आने वाली है, तुरंत यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए। हम है यम। वो तो आप ऊपर हैं प्रभु, इस समय हम नीचे हैं। यहाँ यम नहीं बम चलता है। हट न करें प्रभु, पलायन कीजिए, पलायन कीजिए। सब सब वो पकड़ो इन दोनों को। चित्रगुप्त, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं महाराज, यमलोक में जो स्वप्न देखा था वो आज भूलोक में सच हो गया, इसलिए हंसी आ रही है। यम है हम। पलायन कीजिए महाराज, नहीं तो निकल जाएगा दम। मानो हमें अपने संग इस वाहन में बिठा के ले चलो। अच्छा, अरे अरे, क्या बात है भाई? अब ये दोनों पूरी 100 आइसक्रीम खा गए। 100 आइसक्रीम? हाँ, और बिना पैसे दिए भागे जा रहे। अच्छा, कितने बिल है? 500 रुपए। दे दे पांडू, चलो चलो 500 रुपए, चलो जाओ। चलो, क्या चक्कर है यारो, नाटक कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं, बात ये नहीं है मानो। मानो? ये तुम मुझे बार बार मानो क्यों कह रहे हो? तुम मानो नहीं हो क्या? नहीं, ये यमराज है और मैं चित्रगुप्त हूँ। हम एक देव कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं, वो हमारी है। मालूम पड़ता है नाटक तो खत्म हो गया, पर उसका भूत अभी तक नहीं उतरा। कुछ भी हो मानो, तुमने कष्ट समय में हमारी सहायता की है। सुखी भवा, सुखी भवा। वो देखो, वो दोनों वही हैं। अरे, ये तो ड्रामे वाले लगते हैं। हाँ, इसीलिए तो। हाँ, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। हाँ, प्रभु ये हिम क्रीम विम क्रीम छोड़िए, हमें भविष्यवाणी को ढूंढ निकालना है, चलिए। कम से कम 5 हेम क्रीम खाए बिना हम यहाँ से रत्ती भर नहीं हिलेंगे। प्रभु,
वेटर। यस मैडम। हमारे लिए और टाइप की आइसक्रीम लाओ। यस मैडम। आप लोगों के नाम क्या है? हमारा नाम यमराज है और हमारा चित्रगुप्त। तो आप लोगों के असली नाम क्या है? यही है। वैसे आप लोग किस गांव के रहने वाले हैं? यमपुरी। वही यमपुरी जो जगन्नाथपुरी के बाजू में है? हाँ हाँ वही समझ लो। अच्छा अच्छा, वैसे यहाँ आप लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ों के नीचे। अरे रे रे रे, अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे घर चल के क्यों नहीं रह लेते? अवश्य, किंतु तुम्हारे घर में हमें हेम क्रीम तो मिलेगी ना? अवश्य मिलेगी। तो चित्रगुप्त, हम जा रहे बालिका के घर में विश्राम करने के लिए और तुम उस पुस्तक की खोज करो। आप जाकर बालिका के घर में विश्राम करेंगे? हाँ। और मैं पुस्तक ढूंढने जाऊं? तुरंत। जो आ गया प्रभु। आओ बालिके। ए, हटो सामने से। यहाँ खड़े होकर उस लड़की को क्यों छेड़ रहे हो? शिव शिव शिव, हम लड़की को छेड़ रहे हैं? हाँ तो यहाँ खड़े होकर आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की की तरफ क्यों देख रहे हो? हम लड़की को नहीं देख रहे हैं। तो फिर क्या देख रहे हो? हम वो देख रहे हैं गोबर के उपले। हाँ, इन्हें देखने में क्या रखा है? इन्हें देखकर आपको कोई शंका नहीं हो रही? किस बात की शंका भाई? नहीं, कोई शंका नहीं हो रही। अरे कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी सी, इतनी सी भी शंका नहीं हो रही। अच्छा तुम बताओ, तुमको किस बात की शंका हो रही है? हमारी शंका ये है कि गाय ने दीवार पर चढ़कर गोबर किया कैसे? किस तरह का करैक्टर है मुन्ना? जरा इधर आना। तुम्हारा गांव कौन सा है? यमपुरी। यमपुरी? जिला कौन सा है? नहीं, वहां जिला वाला कुछ नहीं होता। जिला नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हमारे गांव का लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन? फैशन। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिरकर जाते। बस के नीचे? नीचे गिरे तो जाते हैं। बड़ा अजीब आदमी है ये, मुझे समझता क्या है? क्या आप शहर के नागरिक देखेंगे तो क्या समझेंगे? तुम मुझे समझता क्या बे? बे? हाँ बे। आपने मुझे बे कहा? नीच, अधर्मी, तेरे सर के हजार टुकड़े हों। तेरे सर के हजार टुकड़े हों? इम्पॉसिबल। आप माँ, माँ, 100 एकड़ आमों का बगीचा बिक रहा है, मैं उसे खरीद लूँ? गोपाल जी। जी मालकिन। इससे कहो इसके जो मन में आया करे, लेकिन मुझसे बात बिल्कुल न करे। लेकिन क्यों माँ? मैं इससे बात नहीं करना चाहती। माँ सुनो। मगर क्यों माँ, क्यों बात नहीं करोगी? मेरा कसूर क्या है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे सजा दे, मार। मगर मुझसे बोलना बंद मत कर माँ। गोपाल जी, इसने हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया है। एक किराए की लड़की को मेरी बहू बना कर ले आया। माँ मैं उस लड़की को चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, अगर शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। गोपाल जी, इसकी पसंद मेरी पसंद है,
इससे कहो उस लड़की को यहाँ लेकर आए, मैं उससे बात करके इन दोनों की शादी करवा दूंगी। पर तब तक इससे कहो मुझसे बात मत करे। माँ मा, सुन लिया ना छोटे बाबू, लग जाइए इसी काम पे। हे भगवान, ये शादी का नाटक सिर्फ माँ के लिए किया था, उसका तो अक्कुम बक्कुम हो गया और वो लिली भी नहीं मानेगी, अब क्या करूं? क्या करूं? अरे तू कुछ बोल यार। मेरी राय मान गुरु, चल के कोशिश कर। शुरू 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 टुरुरुरु। हे सुंदरी, कहाँ है हमारे प्रभु? हम है यम। ये कैसे वस्त्र धारण कर लिए हैं प्रभु? मॉडर्न स्टाइल। आए, आप अंग्रेजी भी सीख गए? चित्रगुप्त, इस बालिका के साथ रहकर हमने ए बी सी डी सब सीख डाली। वाह प्रभु, आप तो बहुत कुछ सीख गए। लीव दैट चित्रगुप्त एंड टेल मी वेयर इज माई फ्यूचर बुक। Where is my future book? वो सब समझ गया प्रभु, भविष्यवाणी ना? Yes. सारा नगर छान मारा, कहीं नहीं मिली। इस चक्कर में एक पागल पुलिस वाला मिल गया था, उसने अलग मेरी जान खा ली प्रभु। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवा देते हैं और वो लोग पुस्तक को ऐसे ढूंढ निकालेंगे? सही कहा तुमने, डू लाइक दैट। जो आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त, इस सूटकेस में हमारे सारे आभूषण है। जी। इस सूटकेस को अपने कब्जे में ले लो। यस। बहुत अच्छा महाराज, वाह, हम गिरकर कहां से कहां आ गए। पहले मनुष्यों के पापों का हिसाब किताब लिखने की पदवी पर थे, अब स्तर इतना गिर गया कि ये सूटकेस उठाने की नौबत आ गई। क्या घुसर पुसर कर रहे हो? कुछ नहीं प्रभु, मैं प्रसन्नता से छलक रहा हूँ। तो बाहर जाके छलको। जी। गो गो गो। ये आपने क्या कर दिया, सारे आभूषण उसको दे दिए, कुछ चुरा के ले गया तो? डोंट फियर, चित्रगुप्त और हमारे अलावा दुनिया के सारे लोगों को हमारे जेवर कचरे के समान लगेंगे। लपेटे जाओ, लपेटे जाओ।